नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो फिलहाल के लिए देखा जाए तो हाल ही में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ में एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला और लिस्टिंग गेन होने के बाद वो लगातार करेक्शन मूड में देखने को मिला है। मतलब जब से लिस्टिंग गेन हुआ है तब से लेकर वो गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक अंदाजा लगा गया था कि कंपनी के आईपीओ अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रीमियम देकर कंपनी लिस्टिंग होंगे और उसके बाद एक आशा अनुसारी आप देखेंगे तो एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता था। तो फाइनली क्या हुआ, आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी देखिए एक ट्रायंगल बनाकर कंपनी गिर रहा है। इसका मतलब कंपनी लगातार लोअर लो बनते बनते नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितना लेवल तक गिरने का चांसेस है। देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, पहले वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का हालत अभी कहाँ पे है। देखिए सेल्स पिछले दिसंबर में था करीबन 1124 के करोड़ के आसपास, अभी इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट कितना हुआ, करीबन 1189 करोड़ के आसपास, तो सॉरी 1289 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में ग्रोथ हुआ, चलो अच्छी बात है। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़, 160 करोड़, 170 करोड़, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा। और उसके साथ साथ कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे कंपनी का बोरिंग्स पहले एकदम ना के बराबर था, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी बोरिंग्स लिया। अभी देखिए लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में कंपनी कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बोरिंग्स लेते चले जा रहे हैं, मतलब कर्जा जो है वो लगातार एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिले। अभी कंपनी का जो आदर्श लाइबिलिटी है उसके ऊपर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी का ट्रेड पेबल, कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है। कंपनी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जो कंपनी उधारी लेके रखे हैं तो उनमें से कितना पैसा देना बाकी है, 480 करोड़ अभी भी पैसा देना बाकी है। और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल हुआ करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, तो इसका मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का ट्रेड रिसीव भी हुआ। तो सब कुछ प्लस पॉइंट में है। तो जो शेयर में करेक्शन हो रहा है तो इसमें जो लोग डर रहे हैं कि बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। होता क्या है, जो लोग आईपीओ के ऊपर निवेश करके रखे थे तो वो धीरे धीरे करके माल बेच रहे हैं। तो आप एक चीज को देखना, यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो सेलर का जो एक्टिविटी था वो सेलर एक्टिविटी खत्म हो रहा है, अभी यहाँ से बायर के एक्टिविटी स्टार्ट होंगे। और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, ये जो रेंज है इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा जब ब्रेकआउट होगा तब मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, जब तक मुझे कंफर्मेशन ना मिले तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन नहीं लूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर अपडेट पाना चाहते हैं, डिटेल्स देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करिए, मेरा जितना एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जब से इस कंपनी के ऊपर अनाउंसमेंट किया गया है कि मोनोपोली खत्म हो जाएगा तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला है। फिर भी मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैं आपके साथ भी शेयर किया, जो एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बना था करीबन 21% के आसपास, फाइनली यहाँ पे एंट्री हुआ था और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। बहुत टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं, 180 दिन एटलीस्ट 6 मंथ के आसपास, तो 6 मंथ में कंपनी आपको 21% का रिटर्न दिया, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। तो उसके बाद देखिए मैंने आपको ये बताया कि फिर से एक बार क्या बना, एक कप बना, और कप बनने के बाद यहाँ पे मुझे एक हैंडल बटन चाहिए था, मगर हैंडल बटने से पहले ही एक बिग क्रैश हो गया। क्यों, क्योंकि एक न्यूज आ गया कि इसका मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा और इसका मोनोपोली खत्म होने के बाद कंपनी का हालत खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आते हैं उस कारण की वजह से एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। फिर भी मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि सही में कंपनी में खतरा है, बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, बिजनेस का मोनोपोली खत्म होने से कंपनी खत्म नहीं हो जाते, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 60 करोड़, 80 करोड़, 71 करोड़ और 89 करोड़, एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से।
तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना होगा। तो आईएक्स के ऊपर जो लोग सोच रहे कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए मैं बता दूं, ऐसे जल्द से जल्द कोई भी कंपनी खत्म नहीं होता। पहले वो मोनोपोली था, उसके बाद उसका मोनोपोली हट गया, तो कंपनी को और भी ज्यादा मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना पड़ेगा कंपनी को पुश करने के लिए। हाँ, नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट हुआ है, कंपनी छोटा कंपनी है करीबन 12,000 करोड़ के आसपास, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट होगा, उसके चलते है कुछ लोग तो माल बेचकर भागेंगे। क्या सही में इन्वेस्टर माल बेचकर भाग गया? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे डीएस के पास पहले होल्डिंग कितना था, 17%, वो आज बढ़ के हो चुके 26%। और एफएस के पास ज्यादा होल्डिंग था, एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली पब्लिक ने उठा लिया। तो इंस्टीट्यूशन अभी भी टिके हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाते तो मैं मान लेता कि हाँ कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। हाँ, प्रेशराइज तो ऑब्वियसली है, क्योंकि टोटल जो इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग है उससे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास ज्यादा होना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा होल्डिंग हो तो उस कंपनी को ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बाकी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज नहीं दिखेगा, 40-30% के एवरेज डिलीवरी का परसेंटेज दिखेगा। क्योंकि लगातार जब मार्केट में करेक्शन मोमेंटम होता है तो उस टाइम में जब भी कोई रेंज को ना टच करे तब तक कोई भी एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट हुआ है, वो यहाँ पे जो 128 रुपीज का जो लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि सपोर्ट का रिटेस्ट करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद ही वो लंबा जर्नी किए थे, तो वो ही लेवल तक वो आने का कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन बनेगा तो वो आपको बाद में शेयर करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एडुकेशन पर्पस में होते हैं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो प्लीज कोई भी वीडियोस को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, आप इस वीडियो को एज ए एडुकेशन पर्पस में लीजिए। एक जो कंपनी, उसका नाम है LTIMindtree। तो LTIMindtree जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, आज एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुका है, ऑब्वियसली पहले से लार्ज कैप था। और जब से LTI और उसके साथ साथ Mindtree, ये दोनों कंपनी को मार्ज किया गया 2023 में, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए, मान लेता हूँ दोनों कंपनी मार्च होने के बाद इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा जंप देखने को मिलना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। अगर मैं LTI चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का जो टारगेट था वो फाइनली टारगेट को अचीव किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। तो फाइनल टारगेट को अचीव करने के बाद ही, टारगेट के नजदीक जाने के बाद ही, अचीव करने के बाद ही क्रैश क्यों हो गया? पहले बता दूं, प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसी लेवल को टच करने के बाद ही कंपनी का करेक्शन हुआ था। मतलब आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी कोई पैटर्न्स बनते हैं, यहाँ पे कैसे पैटर्न्स बना, यहाँ पे बना एक का फुई धन पैटर्न्स। फाइनली जब ब्रेकआउट होगा तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री तो आप लेने के लिए सोचेंगे जरूर, तो एंट्री लेने से पहले आपको देखना है कि प्रीवियस में क्या कोई स्विंग लेवल है, प्रीवियस में क्या कोई स्विंग हाई है, क्या रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस को मार्किंग कर लेना। क्यों? क्योंकि वो लेवल को देखना है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। क्योंकि जो लेवल के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिल जाते हैं तो उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। तो सप्लाई जोन के आसपास जब भी वो रिटेस्ट करे तो उसके बाद वो बिग क्रैश देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अब जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे तो आपको इस सारे चीजों को याद रखना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इस रेजिस्टेंस के नजदीकी मैंने एग्जिट कर लिया जब मेरा एंट्री लेवल यहाँ था। तो वहां पे अगर मैं देखूँ तो 20% के आसपास मुझे टारगेट मिला। तो 20% भी कोई कम नहीं है, एटलीस्ट 4 to 5 months के अंदर 20% का टारगेट मिलना और इतना कम भी नहीं है, मैं जरूर कहूंगा एक अच्छा खासा एंट्री लेवल से और एक अच्छा खासा टारगेट बना है। तो इस कंपनी के ऊपर बाकी आपके क्या डिसीजन, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट इस बार पब्लिश किया वो भी शानदार तरीके से है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, 1,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1,100 करोड़ के आसपास। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है DRC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। तो DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट क्या है, कंपनी का बोनस का। तो कंपनी 27 फरवरी में हर एक के बदले 2,000 आपको बोनस के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।